ठीक है। सी वरीड अबाउट समथिंग, सी इज लुकिंग वरीड अबाउट समथिंग। अब देखो ये तो आईडी में फॉर्म में आ रहा है, सी लुकिंग आता नहीं है, ठीक है, सी लुक्स वरीड अबाउट समथिंग। तो लुक्स इज द राइट आंसर। सो हियर द ऑप्शन इज थ्री, सी लुक्स या सी इज लुकिंग वरीड अबाउट समथिंग। तो यहां पे क्या आएगा, लुक्स आएगा या लुकिंग आएगा, ठीक है, या इज लुकिंग आएगा। देखो आपने यही देखा था कि लुक क्या है, परसेप्शन है, तो वहां पे क्यों इज लुक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इज लुकिंग कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, इज लुकिंग कोई फॉर्म होती नहीं आईएनजी में, क्यों, ये सेंसेज से है, सेंस सेंस में कौन सा, सी वाला। परसेप्शन की कुछ वर्ब करी थी कि वो कंटिन्यूस में नहीं हो सकती, उसमें क्या करी थी, लुक, सी टेस्ट, सी इज टेस्टिंग, गलत, सी टेस्ट सिम, तो वो टेस्ट ये वाला आएगा, ओके, सी इसलिए सी लुक्स वरीड अबाउट समथिंग। इट स्टार्टेड टू रेन, पहले क्या शुरू हुई, रेन, पास्ट सिंपल वाला कॉन्सेप्ट अभी किया था ला थोड़ी देर पहले। सी स्टार्टेड, इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी, अब देखो वी आर प्लेइंग, ये तो प्रेजेंट टेंस का हो गया इसलिए कभी आ ही नहीं सकता, वी हैड प्लेड, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी वाइल भी, वाइल वर्ड क्या बताता है कि अभी वो एक्शन मौजूदा है, मतलब कंटिन्यूटी में था, वो वाइल बताता है, इसलिए वी वर प्लेइंग, हम जब खेल रहे थे, आइदर पास्ट परफेक्ट आता है या फिर पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ पे वाइल वर्ड आया। वाइल वर्ड का मतलब बताता हूँ दोस्तों, वाइल वर्ड के दो मतलब होते हैं फ्रेंड्स, वाइल वर्ड हैज टू टू मीनिंग्स, द फर्स्ट वन इज दैट वाइल इज comes for togetherness, while comes for togetherness, and the second at the same time, while come for different things, कि वो रेन शुरू हुई हम खेल रहे थे तो ये togetherness के लिए आया, ठीक है, but different things कैसे, जैसे I persuade engineering, मैंने engineering की, while C persuade neurology, neurology, so वो neurology कर रही थी, मैं engineering कर रहा था, so that how it would be used like that word, he fast when the accident, he is driving fast when the accident happened, accident has already happened, कौन सी verb से बना है, happen से, ये present की verb है, ईडी लगता है किसकी बन गई, पास्ट की, मतलब टेंस किसमें है, पास्ट में, तो इज ड्राइविंग तो कैंसल, ठीक है, ड्रो कैंसल, व्हाई, बिकॉज एक्सीडेंट हुआ तब ड्राइव फास्ट कर रहा था वो, दैट वाज इन द कंटिन्यूस मोड, कंटिन्यूस मोड क्या वाज ड्राइविंग बता रहा है, बिल्कुल, तो यहाँ पे वॉज ड्रॉइंग आए, ही एस्लीप व्हाइल ही वॉज ड्रॉइंग, ठीक है, वो क्या हो गया कि वो उसको नींद आ गई, तो वो जब ड्राइव कर रहा था तो अब यहाँ पे क्या आएगा, फॉल का वर्ब है फेल, ठीक है, ही फेल एस्लीप व्हाइल ही वाज ड्राइविंग, देखो फॉल्स मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है, फॉल मतलब ऊपर से गिरना, ठीक, इसलिए नहीं आएगा, इसलिए नहीं आ सकता। हेज कोलन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई पुराना एक्शन नहीं है कि जो प्रेजेंट तक आ रहा हो, क्यों, क्योंकि आगे क्या दिया हुआ, पास्ट, इसलिए ये गलत है, ठीक है, इसलिए फेल ही केवल एक सही आंसर है जो यहाँ पे आ सकता है, फेल इज द ओनली राइट आंसर विच कैन कम हियर, ओके, सो द ओनली राइट आंसर इज फेल। Why? Because fall, fail, fallen, fallen. I'm sure I him at the party last night. जो last night किसको बता रहा है सर? Past को।
और किसकी फ्रेज है ये? पार्ट सिंपल की, पार्ट सिंपल की। जब भी लास्ट नाइट, यस्टरडे, ऐसी दिखे फ्रेजेस, देन सिंपली पार्ट सिंपल आएगा। अब देखो, हैव प्लस सीन, क्या ये पार्ट सिंपल की पहचान है? बिल्कुल नहीं सर जी। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इसकी, पास्ट परफेक्ट की। हेड सीन किसकी पहचान है सर? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सी सा सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट की थी, सॉरी, ये प्रेजेंट परफेक्ट की, और ये किसकी है? पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट, जबकि केवल पार्ट सिंपल का कौन आया पे? सो। ठीक है, तो सो किसका है? पास्ट परफेक्ट का, इसलिए क्या आएगा? सो। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि तुम्हें साफ दिखे। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? सो। क्या आएगा? सो ही इज हैविंग ए मिल इन दिस टाउन, ही हैज ए मिल इन दिस टाउन, ही हैव ए मिल इन दिस टाउन, ही हैज मिल इन दिस टाउन, या ही इज हैविंग ए मिल इन टाउन, दिस टाउन, ही हैज ए मिल इन दिस टाउन, सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे इज हैविंग की जरूरत नहीं है, ही हैज ए मिल इन दिस टाउन। ठीक है, सिंपली यही आएगा। तो आंसर क्या होगा? ही हैज ए मिल इन दिस टाउन। अब देखो यहाँ पे हैव क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वर्ब की तरह चाहिए और ये हैव है पजेजन की तरह, पजेजन की तरह। इज हैविंग, तो ये इज प्लस हैव प्लस आईएनजी नहीं आता, जब वो वर्ब की तरह आता है तो सिंपली हैज। ही हैव फॉर लास्ट 5 इयर्स, फोर देखते ही क्या पता चला? ही टेंस किसमें है? परफेक्ट में। ठीक है, हियर अभी काम करता है, ही इज ही वर्कड हियर, गलत, पार्ट सिंपल हो गया। ही इज वर्किंग, गलत, ही इज बीन वर्किंग, पार्ट से है बट अभी भी कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान क्या होती थी? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैव डन, हैड डन, हैव बीन डूइंग। ठीक है, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, या हैव डन, या हैव बीन डूइंग। ठीक है, तो उसने थैंक किसके लिए किया? किसके लिए किया? व्हाट आई हैव बीन डूइंग, या हैड डन, या हैव डन, फॉर व्हाट आई हैव डन। ठीक है, ही थैंक पास्ट है तो हैड डन, अगर प्रेजेंट है तो, अगर पहले से, ये किसमें है? पास्ट सिंपल में, तो यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, इसलिए हैड डन। अगर ये पास्ट सिंपल की जगह प्रेजेंट सिंपल में होता तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आता। ओके, दैट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो आपने पीछे पढ़ा है वो पूरा उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम फ्यूचर पढ़ेंगे। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? 11 तक। आई हियर ए स्ट्रेंज नॉइज, आई एम हियरिंग, अभी तो नहीं सुन रहा। आई हैव बीन हियरिंग, आज तक नॉइज सुन रहा क्या? नहीं, तो क्या बच गया? आई हियर ए स्ट्रेंज नॉइज, वो बता रहा है वो घटना होने के बाद में। आई हियर ए स्ट्रेंज नॉइज, आई हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन हिम, आई एम नोइंग हिम फॉर लॉन्ग टाइम, गलत, कंटिन्यूअस थोड़ी है। आई नो हिम फॉर लॉन्ग टाइम, गलत, प्रेजेंट सिंपल की बात थोड़ी है, फोर वर्ड आया ना यहाँ, तो आई हैव नोन, आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम, वी इंग्लिश फॉर 5 इयर्स, वी सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल, तो एम स्टडाइंग तो गलत हो गया वैसे ही। वी स्टडी इंग्लिश फॉर 5 इयर्स, फोर लगा हुआ आया क्या दोस्तों? बिल्कुल आया।
फॉर और सिंस मिले तो पता क्या चलता है, सीधा परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट। अभी भी पढ़ रहा हो इंग्लिश तो हैव बीन, वी प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है, वर्ब वी प्लूरल के अकॉर्डिंग, क्या हैव ली क्या, बिल्कुल वी हैव, तो एवरीथिंग इज फाइन, सो आंसर वुड बी वी हैव बीन स्टडाइंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। ओके नेक्स्ट, डोंट डिस्टर्ब मी, आई माई होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डिड माई होमवर्क। देखो प्रेजेंट सिंपल में है इसलिए किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई एम डूइंग, आई डू माई होमवर्क, नहीं उस समय कर रहा है वह होमवर्क, इसलिए बोल रहा है वो कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। अब्दुल टू बी ए डॉक्टर, तो अब्दुल इज वॉन्टिंग टू बी ए डॉक्टर, नहीं अभी कंटिन्यूटी थोड़ी है, अब्दुल वॉन्टिंग ये तो बिल्कुल ही गलत है, अब्दुल वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर, अब्दुल इज ए सिंगुलर, क्या वॉन्ट क्या गया एस लगा, क्या लगा, इसलिए ये भी सिंगुलर हो गई, वर्ब क्या गया एस या एस लगे तो वो कैसी हो जाती है सिंगुलर। द सूप इज टेस्टिंग, गलत है इस टेस्टिंग, तो टेस्ट वर्ड तो आईएनजी के साथ में आ ही नहीं सकता, तभी आ सकता है जब टेस्ट करना जरूरी हो, ठीक है, सोप टेस्ट गुड, सोप क्या है सिंगुलर, ठीक है, इसलिए क्या आएगा टेस्ट। ही इज वॉचिंग टीवी मोस्ट इवनिंग, ठीक है, ही वॉचेस ट्यूनिंग, तो जब हैबिचुअल एक्शन हो तब क्या आता है प्रेजेंट सिंपल, तो क्या आएगा यहाँ पे वॉचेज, ना कि इज वॉचिंग, इज वॉचेज, इज वॉच, ये नहीं आएगी दोनों। ओके वॉचेस टीवी, ही सिंगुलर है इसलिए वॉचेज। ही हैज गोन आउट, ही हैड गोन आउट, ही वेंट आउट 5 मिनट्स अगो, क्या पास्ट में चला गया टेंस, क्या पास्ट में चला गया दोस्तों टेंस, इसलिए यहाँ पे क्या आया, ही हैज गोन आउट की जगह ही वेंट आउट, ही वेंट आउट पास्ट, व्हाई टाइम फ्रेज, एगो का मतलब पहले, एगो का मतलब पहले, 5 मिनट पहले चला गया सर। वेन ही लिव्ड इन हैदराबाद, ही टू द सिनेमा वन से भी, ही गोज टू द सिनेमा ओवन से भी, जब वो रहता था तो ही वेंट टू द सिनेमा व्हेन ही लिव्ड, देखो ये पास्ट में है, कौन सा पास्ट है, पास्ट सिंपल, तो यहाँ पे उसी चीज को, ही वाज गोइंग टू द सिनेमा वन से वीक, नहीं ही वेंट वेंट टू सिनेमा वन से वीक, तो दोनों पास्ट हैबिट है, कंटिन्यूटी ऑफ द सेंटेंस इज द मस्ट, कोई भी जब कंटिन्यूटी तब टूटती है जब एक एक्शन पहले हो और दूसरा एक्शन बाद में, यहाँ तो ऐसा है नहीं कि जब वो रहता था तो एक वीक में एक बार जाता था, तो पास्ट सिंपल पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए आता है, इसलिए गो की सेकंड फॉर्म कौन है, गो वेंट गोन, और तुम्हें ये बता रखा है पहले से कि तभी और तभी केवल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है जब जब क्या हो, जब पास्ट सिंपल, जब पास्ट सिंपल हो। द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल द मॉर्निंग, या द बेबी क्राइज ऑल द मॉर्निंग, सोचो कि ऑल मॉर्निंग बेबी के साथ में क्या आएगा, आपको 15-20 सेकंड का टाइम देता हूं कि यहाँ पे क्या आएगा, कि क्राइज आएगा, या तो हर मॉर्निंग को करती है वो, ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसे ही आएगा, बट ये करेक्ट सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे, बेबी हैज बीन क्राइंग या बेबी क्राइस, ठीक है, तो आप बताइए, आपको टाइम है, तो पहला वाला क्या है कि बेबी क्राइज ऑल द मॉर्निंग, हालांकि दोनों ग्रामेटिकली सही है बट दोनों के मीनिंग अलग है, कि बेबी क्राइज ऑल द मॉर्निंग मतलब क्या है, वो अभी उसका हैबिचुअल एक्शन ऐसा है, बट बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल मॉर्निंग ये पास्ट की हैबिट है। ओके आई सॉ रहीम एट द जू, आई हैव सीन रहीम एट द जू, आई हैड सीन रहीम एट द जू,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री? ठीक है, तो देखो, आई सो रहीम एट द जू, ठीक, उसने देखा था। नया एक्शन जब भी हो तो यहाँ पे पार्ट सिंपल आएगा, आई सो द रहीम, आई हैव सीन रहीम एट द जू इज ए रॉन्ग सेंटेंस, ये दोनों गलत है। आई हैवंट सीन कुमार दिस वीक, आई डिडंट सी कुमार दिस वीक, आई एम नॉट सीइंग, तो ये तो गलत हो गया। उस इस आई एम नॉट सीइंग कुमार तो गलत हो गया। बताओ कि दोनों में से सही कौन सा, या तो आई हैवंट सीन या आई डिडंट सी कुमार दिस वीक, तो क्या आएगा? समय है आपको 10-20 सेकेंड। देखो यहाँ पे फ्रेज कौन सी आई, दिस वीक, दिस वीक क्या बताती है? प्रेजेंट टेंस, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट की ये है या ये है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैवंट, ये तो डू से डिड बना, मतलब क्या है, पार्ट सिंपल, इसलिए ये नहीं आ सकती। आई हैवंट सीन इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव सुनने आपको ये एक्सरसाइज करनी है, चलो इसको करते हैं। पहले 10 सेकेंड आपको देता हूँ, पहले वाली थी हेडमास्टर टू स्पीक टू यू, बताइए। द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू इज वॉन्टिंग स्ट्रोक टू वॉज वॉन्टिंग, अभी बोलना चाहता है। हेडमास्टर सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर, और प्रेजेंट का टेंस है क्योंकि अभी बोलना चाहता है, तो प्रेजेंट की यहाँ पे सारे तीनों दोनों फॉर्म प्रेजेंट की है, ये पास्ट की, तो ये तो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे स्पीक किसकी थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट की। ओके, अब यहाँ पे वॉन्ट्स रह गया, इज वॉन्टिंग रह गया, इज वॉन्टिंग स्पीक टू यू रॉन्ग, क्यों रॉन्ग भैया? क्योंकि इज वॉन्टिंग इज इसलिए गलत हो गई सर जी, बिकॉज इज वॉन्टिंग इज लाइक अभी बोलना चाह रहा है, और कंटिन्यूटी में एक्शन, कंटिन्यूटी नहीं है, वो बात करना चाहता है, एज ए जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट के लिए क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल, और वांट प्लस एस या एस ले लेगा ताकि वो सिंगुलर हो जाए। आई बोट ए न्यू बाइसिकल लास्ट वीक, लास्ट वीक आया है सर, लास्ट वीक आया है मतलब पास्ट की है, पास्ट एक्शन हुआ है कुछ। बोट पार्ट सिंपल नहीं आ सकता। आई बोट ए न्यू बाइसिकल, I have bought, I had bought, ठीक है, तो सॉरी कि यहाँ पे क्या लिखा, I had bought, तब आता जब परफेक्ट कोई चीज परफेक्ट के थ्रू आती, तो I bought a new bicycle last week, ठीक है, simply, जैसे I buy a new bicycle today, लेकिन I bought a new bicycle last week. लास्ट वीक, तो सिंपली दिस सेंटेंस वुड बी लाइक दैट। ओके, तो सिंपली आंसर क्या आएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट कीजिए आप, आपको 10-20 सेकेंड है। Here are your shoes. Here are your shoes. I just cleaned them. I just cleaned them. I have just cleaned them. तुम्हारे shoes यहाँ पे हैं। Here are you. Present में चल रहे हैं। I just cleaned. लेकिन ये action पहले ही हो चुका है। तो I just cleaned आएगा या I have just cleaned आएगा? Just clean तो नहीं आ सकता। इन दोनों में से कौन सा आएगा? आपको ऑप्शन है, 15 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं इसको करने के लिए, क्या आप आराम से करिए।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक्शन खत्म हो चुका है, इसलिए आई हैव जस्ट क्लीन देन, लेकिन जस्ट क्लीन देन इट सिंस अर्ली इन मॉर्निंग। देखो ये भी क्या है, सिंस वर्ड आ गया और आज की मॉर्निंग आई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो नहीं आ सकता, पास्ट का है, इज रेनिंग भी नहीं आ सकता बिकॉज ये कंटिन्यूस है, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग, दिस इज द राइट सेंटेंस। आई डिड ए लॉट ऑफ वर्क टूडे, देखो डिड कैसा आएगा, पास्ट का थोड़ी है, टूडे फ्रेज, टाइम फ्रेज क्या कर रही है, आज का, आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टूडे, हैड डन भी नहीं आएगा, ये भी पास्ट का बता रहा है, तो प्रेजेंट का केवल एक रह गया, आई हैव डन, आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क टूडे इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, आई हैव बीन स्मेलिंग, तो आई हैव बीन स्मेलिंग क्या आएगा इनमें से, आई एम स्मेलिंग तो नहीं आ सकता, अभी थोड़ी और ही है उसको, स्मेल भी नहीं आ सकता क्योंकि वो पहले से सुन रहा, तो आई हैव बीन स्मेलिंग समथिंग बट, ठीक दैट वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप, 10-15 सेकंड लीजिए। नेक्स्ट, लुक द सन राइजेज ओवर द हिल्स, सन इज राइजिंग ओवर द हिल्स, तो सन राइजेज ओवर द हिल्स, या सन इज राइजिंग, या सन राइजेज, बताओ क्या आएगा। तो देखो सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सब बताते हैं, राइजेज इन द ईस्ट, और ऐसे ही आता है बिकॉज इट्स जनरल फिनोमिनल, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि दिखा रहा है कि देखो सन उग रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस इज देयर, सो राइजेज नहीं आएगा, इज राइज ये तो है भी गलत, इज भी लगा दिया, कंटिन्यूस भी बता दिया, आईएनजी फॉर्म भी नहीं लगाई, तो इसलिए ये गलत, तो बचा कौन, इज राइजिंग, ये वो एस्टोनिशिंग तरीके से आपको बता रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में, लो सन इज राइजिंग ओवर द हिल्स, ठीक है, सी अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock, सी इज अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock, नहीं आ सकता, सी वाज अनकॉन्शियस पास्ट में नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी है वो अनकॉन्शियस, सी हैज बीन अनकॉन्शियस 4 o'clock, ये सही है सर, सही है, ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक बट ही नाउ ही इज रेयरली कमिंग, ही इज रेयरली कम, ही रेयरली कम्स, ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक, वो हमें विजिट करता है हर वीक, बट ही रेयरली कम्स नाउ, बट वो अब कभी कभार आता, पहले वो हर वीक आता था, बट इज रेयरली कमिंग नहीं, हैज रेयरली कम नहीं, रेयरली कम्स क्यों, क्योंकि नाउ किसकी बता रहा है कि उसकी अभी की आदत, और अभी की आदत कंटिन्यूस नहीं चल रही है, इसलिए नहीं आ सकता, हैज रेयरली कम, पहले की बातें नहीं कर रहा है वो अभी की बातें कर रहा है, इसलिए रेयरली कम्स, प्रेजेंट सिंपल की आदत, वी कॉल हिम, वी फॉर हिज कॉल सिंस 4:30, तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिज कॉल, वी वर वेटिंग, वी आर वेटिंग फॉर हिज कॉल, क्या आएगा आप कुछ सोचिए, 15-20 सेकंड में आपको देता हूं, ठीक है।
यहाँ पे क्या आएगा, वी आर वेटिंग फॉर हिज कॉल, या वी हैव बीन वेटिंग, वी वर वेटिंग, बट तो नहीं आएगा, अभी भी है तो वी हैव बीन वेटिंग। नेक्स्ट करिए, एवरी डे लास्ट वीक माई आंट ए प्लेट, तो एवरी डे मतलब क्या है, अभी का एक्शन है तो ब्रोक तो नहीं आएगा। एवरी डे लास्ट वीक, लास्ट वीक आया तो फिर वो किसके लिए आया, पास्ट वेट, पास्ट हैबिट के लिए। एवरी डे लास्ट वीक, लास्ट वीक माई आंट ब्रोक ए प्लेट, ठीक है, सिंपली क्या आएगा, ब्रोक ए प्लेट, या आएगा वॉज ब्रोकिंग। ठीक है, तो आपको, आप खुद सोचो कि यहाँ पे क्या आएगा। ब्रोक ए प्लेट क्यों, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है पास्ट का। आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई हैव सीन इट ट्वाइस, या हैव ड्रीम सीन, तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट ही आगे आएगा, आई हैव सीन, आई हैव सीन इज द राइट आंसर। सो या हैड सीन दोनों पास्ट को इंडिकेट करते हैं। और गेस्ट दे आर सिटिंग इन द गार्डन, और गेस्ट पहले वो अराइव हो गए हैं बाद में बैठे हैं, दे हैव अराइव्ड और गेस्ट हैव अराइव्ड, वो पहुंच चुके हैं, तो लेकिन प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में मत कर देना कि अराइव्ड कर दिया या हैड अराइव्ड कर दिया। और गेस्ट हैव अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, मतलब जस्ट अराइव हुए हैं, तो अब वो कहाँ पे बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं सर। आई डिडंट सी, आई हैवन सीन, आई हैडन सीन, ठीक है, आई डिडंट सी हिम, वी मेट ए ईयर अगो, आई हैवन सीन हिम सिंस वी मेट ए ईयर अगो, तो यहाँ पे वी मेट आया है, यहाँ पे तो मेट किससे बना सर, मीट से, मीट मेट मेट, यहाँ पे हेड एंड सीन आएगा, पहले जो एक्शन हो जाता है पास्ट परफेक्ट में आता है, तो ये किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट, और उससे पहले होने वाला किस में आएगा, पास्ट सिंपल में, इसमें आएगा तो सर पार्ट सिंपल, इसलिए ये हेडर सी। वी फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, वी हैड फिनिश्ड और ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर है, पहले कर लिया हाफ एन, मतलब जस्ट अभी हुआ है, हेड फिनिश्ड नहीं आ सकता, फिनिश्ड भी नहीं आ सकता, हैव फिनिश्ड, ठीक है, अभी किया है तो क्या आएगा, वी हैव फिनिश्ड और ब्रेकफास्ट, वी, इसमें दो ऑप्शन जो वी फिनिश्ड है और वी हैव फिनिश्ड, तो दोनों में से एक आएगा, ठीक है। जब पहले हो चुका है वो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट प्रेजेंट पर सिंपल पास्ट, वो पास्ट परफेक्ट आएगा। सी जंप्ड ऑफ द बस, वो बस से कूद गई, वाई इट वाज मूविंग, वाई इट हैड मूव नहीं आएगा, मूव नहीं आएगा, वाई इट वाज मूविंग, क्यों, क्योंकि वो जंप से कूद, वो पार्ट सिंपल सेकंड सेंट, बट वाइल वर्ड आने के बाद में क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, ओके, दैट वुड बी यूज्ड, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूस। सेकेंड देख, इसके आगे देखो, वेन वी वेंट टू द सिनेमा, सिनेमा गए, द फिल्म ऑलरेडी स्टार्टेड नहीं आएगा, वाई, ये पहले हो चुका है बाद में वो पहुंचे, ये बिल्कुल सही है, पार्ट सिंपल, लेकिन इसके आगे वाला सेंटेंस कौन होता है, पास्ट परफेक्ट, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्ट या वुड ऑलरेडी स्टार्ट, वुड ऑलरेडी स्टार्ट भी गलत है, हैड क्या पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है, प्लस उसके साथ में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी है तो ये सही है, सेकेंड आंसर इज राइट। आई फॉर एन आवर वेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, देखो पहले वेट कर रही है वो, बाद में रेन शुरू हुई है, इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, आई हैव वॉक्ड फॉर, ये नहीं आ सकता बिकॉज ये पार्ट सिंपल में है, किस, ये सेंटेंस किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में, आई हैव बीन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जबकि इसको चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर एन हाफ एन आवर, वो चल रही थी और आधा घंटा हो गया था उसको चलते चलते, और उसके बाद में क्या आएगा, ऐसे आएगा, डिड यू थिंक यू मी समवेयर बिफोर, डिड यू थिंक यू हैड सीन मी सम बिफोर, कि तुम सोचते हो कि हम कहीं मिले हैं पहले, तो डिड यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, यू वर सीइंग, गलत, बिकॉज कंटिन्यूस एक्शन कैसे आ सकता, और हैव सीन वैसे नहीं आता, पर ये पार्ट से शुरू हो रहा है और ये प्रेजेंट में आ गया वापस, गलत, ये भी गलत, तो सिंपली ऑप्शन क्या बच गया, यू हैड सीन द टाउन इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सीन 1980 चेंजिंग इट चेंज हैंड्स सिंस 1980, ठीक है, अभी चेंज किया उसने, तो इट चेंजिंग गलत, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट तक एक्शन आ रहा है, मतलब परफेक्ट आएगा, चेंज्ड गलत, पास्ट सिंपल है ये, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, दोनों ही टेंस गलत, हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, हैज चेंज्ड, हैज प्लस वर्ब की, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए ये सही है। ओके, शीला हर केस लुक, शीला हैज पैक्ड हर केस लुक, शीला हेड पैक्ड हर केस, तो शीला पैक्ड हर केस लुक, तो आधा सेंटेंस छोड़ दिया इसने, शीला ने पैक कर लिया अपना केस, ये बस इनफ है। वेन आई वाज इन श्रीलंका आई लोगम्बो बरूला एंड निवेली, ये जगह वो गया जब वो श्रीलंका में था, तो ही वाज विजिटेड, गलत, आई नहीं सकता, ही हैव विजिटेड, ही विजिटेड, सिंपली वो उसने विजिट किया, ही विजिटेड, आई मीन टू रिपेयर द रेडियो, बट उसने रेडियो को सुधारने की सोची, बट टाइम टू डू इट टूडे, आई एम नॉट हैविंग टाइम टू, आई मीन, मीन किससे बना है, मीन वर्ड से, मीन मीन्ट मीन्ट, तो कैसा वर्ड है, पास्ट का, ठीक है, आई एम नॉट हैविंग, गलत, आई हैवंट, गलत, I hadn't, सही, ठीक, I haven't had, गलत, I had, but had time to do it today, but had not time to do it today, because यहाँ I meant past का है, तो यहाँ पे भी आज time नहीं था। When I was my dinner, I went to bed. When I have had my dinner, I went to. देखो ये है past simple, बाद में बैठ गया, पहले कुछ और काम किया होगा। When I had my dinner, जब खाना खा लिया, सिंपली बस यही चाहिए, और कोई नहीं चाहिए इसको, दोनों नहीं चाहिए। Meant to abolish wars up to now, but maybe they will find a way in the future. Men have never managed, will never manage. तो जो men, जो कभी एबोलिश वार्स अप टू नाउ, मतलब अभी तक लेके आ रहा है उसको, तो विल हैव नेवर मैनेज, तो आ नहीं सकता, ये तो फ्यूचर का है, जबकि हमें चाहिए प्रेजेंट, प्रेजेंट के दो, ये पास्ट का बच गया, तो ये भी गलत है, वी मैन हैव नेवर मैनेज टू एबोलिश वार अप टू नाउ, बट मे दे विल फाइंड ए वे इन द फ्यूचर, तो ये पहला और उसके बाद में ये दूसरा फ्यूचर वाला, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई कंडीशन पूरी करेगा, उसके बाद में फ्यूचर की कंडीशन पूरी होगी। ये हुई तुम्हारी एक्सरसाइज। देर आर सेवरल वेज ऑफ टॉकिंग टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश, सिंपल फ्यूचर होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, तो देखो फ्यूचर सिंपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे प्रेजेंट के हमने चार टेंस पढ़े, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वैसे ही पास्ट के चार होते हैं, प्रेजेंट पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके, वैसे ही फ्यूचर के चार होते हैं, और इनकी अपनी अपनी पहचान होती है, सबकी अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे प्रेजेंट की हेल्पिंग इज आर एम वाज वर, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब Has, have plus been, present perfect continuous की helping verb, तो ऐसे होता है, ठीक है, तो फ्यूचर को पढ़ते हैं, देर आर सेवरल वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश, सिंपल फ्यूचर टेंस जिसको हम पढ़ते हैं कि सिंपल फ्यूचर
उन बातों के बारे में बात करता है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। जैसे फ्यूचर को किसी एक्ट में बताए, आई सेल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, भाई साहब वो आई एम गोइंग टू बी 20 नेक्स्ट सैटरडे बोल रहे हैं, देट वुड बी नो। ठीक है, भले ही वो निश्चित है बट वो कंट्रोल में नहीं है जब चीजें, देन इट्स फ्यूचर इज योर। फिक्स प्रोग्रामिंग के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता है, फिक्स प्रोग्रामिंग के लिए प्रेजेंट टेंस यूज होता है, बट ऐसी फिक्स प्रोग्रामिंग जो कभी टाली नहीं जा सके, जो आउट ऑफ हमारे कंट्रोल है, देन तो सिंपली विल सेल मतलब प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल यूज होता है। आई सेल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, 20 साल का होना है तो है, तो मर जाए तो अलग बात, अदरवाइज ही वुड बी 20 बाय द नेक्स्ट सैटरडे, इट विल बी दिवाली इन ए वीक। एक हफ्ते में दिवाली होने जा रही है, तो होने जा रही है, हम नहीं रोक सकते उसको। ओके, तो उसको क्या बोला जाएगा कि उसको बोला जाएगा कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन, इसलिए फ्यूचर सिंपल यूज किया। वी विल नो अवर एग्जाम रिजल्ट इन मे, मतलब हमारे बस का नहीं है, एग्जामिनर हॉल पे डिपेंड करता है कि वो मई में दे देगा वो रिजल्ट, हो सकता है वो उसको टाल दे, बट इट्स द एग्जामिनेशन रिजल्ट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, इट्स डिपेंड्स अपॉन हाउ द एग्जामिनेशन से टेक द डिसीजन। वी यूज दिस टेल्स टू टॉक अबाउट द थिंग और वी बिलीव इन हैपन इन द फ्यूचर। जैसे कई बार हम फ्यूचर में की चीजें को सोचे, प्रेडिक्ट करें, आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, कि मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान मैच जीत नहीं जीत सकता है, तो ये दिस इज मेरली प्रेडिक्शन। हाँ, सच्चाई है कि नहीं है डोंट नो, बट इट्स मेरली प्रेडिक्शन, इट्स मेरली प्रेडिक्शन ओनली। आई एम श्योर हेलन विल गेट फर्स्ट क्लास, यहाँ पे भी क्या है प्रेडिक्शन, यहाँ पे भी क्या है प्रेडिक्शन। ओके, तो ऊपर के सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा कि जो टेंस ये सोचने में काम आते हैं, एंड आई एम श्योर दैट आई, जब भी कभी ऐसे वर्ड आ जाए, आई एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मतलब फ्यूचर में कर रहा है ना वो, हाँ प्रेजेंट में नहीं है सर वो चीज, फ्यूचर में है। आई बिलीव, बिलीव कर रहा है वो, बिलीव कर रहा है मतलब क्या है, फ्यूचर में करेगा, अभी एट द मोमेंट वो चीज नहीं हो रही है। ओके, प्रोबेबली शायद शायद ऐसा हो, प्रोबेबली आई एम मिस्टेकन, प्रोबेबली ही विल विन द मैच, तो मतलब परसेंटेज ऑफ द चांसेस दैट इट लाइज ऑन द प्रोबेबिलिटी, इट लाइज ऑन द पॉसिबिलिटी, इट लाइज ऑन द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन दैट हाउ ही प्ले द मैच। इट इज रेनिंग, अभी बरसात हो रही है, ठीक है, इसलिए कोई चीज आपको टाइम ऑफ स्पीकिंग पे ये डिसाइड करने का मौका दे रही है कि फ्यूचर में क्या करना है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, आई शैल टेक एन अम्ब्रेला, बरसात हो रही है इसलिए अम्ब्रेला लेते हैं हम लोग। मिस्टर सिन्हा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, मिस्टर सिन्हा बहुत बिजी है उस मोमेंट में। ऑल राइट आई शैल वेट, मैं वेट करूंगा, ठीक है, तो देट इज नोन एज फ्यूचर थिंग, फ्यूचर थिंग। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज लाइक दिस, मिस्टर सीना इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, ऑल राइट आई विल वेट, फर्स्ट थिंग इज मिस्टर सीना इज वेरी बिजी, तो इट्स इज प्रेजेंट सिंपल बट ऑन दिस क्लोज फ्यूचर डिपेंड, ऑल राइट अगर बिजी है तो आई विल वेट, आई शैल वेट, दैट इज फ्यूचर सिंपल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, गोइंग टू, अगर कहीं पे ऐसा आए गोइंग टू वाली फॉर्म प्लस उसके आगे वर्ब आए, देन व्हाट डू यू हैव टू डिसाइड, कि कुछ पहले बोलने से पहले कुछ डिसाइड किया था, हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, कि तुमने डिसाइड किया मैं क्या करने जा रहा हूँ, तब क्या यूज किया हम करेंगे, और पहले से डिसाइडेड, यस आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब, हाँ मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ जॉब से, That is decided already. इसलिए going to, I am going to, not I will be going to.
हाँ अभी नहीं किया रिजाइन, बट द टेंस वुड स्टिल बी इन द स्टिल बी वुड इन द प्रेजेंट सिंपल. व्हाई? इट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड पर्संस, इट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड मेन. व्हाई डू यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक? क्यों मोटर बाइक बेचना चाहते हो? आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं कार बेचना चाहता हूँ. आई एम गोइंग टू बाई ए कार. I want, why do you want to sell your motorbike? I am going to buy a car. मैं उसकी कार खरीदूंगा. Already decided कि when I will take out the motorbike, I will buy a car. याद करो कि अगर कोई एक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड हो, प्रिपरेशन उसके लिए की गई हो, तो हम यूज करेंगे गोइंग टू फॉर्म, ना कि फ्यूचर सिंपल. ठीक है, समझ गए? फ्यूचर सिंपल टेंस तब यूज नहीं करते. फ्यूचर सिंपल टेंस तो इंस्टेंट डिसीजन के लिए काम में लेते हैं. इट इज गोइंग टू रेन, लुक एट दोस क्लाउड्स. तो यहाँ पे भी क्या है, ऊपर जो दिख रहा है वो क्या है, सर्टेन है, निश्चित है. कि जब प्रेजेंट ये बताने लगे कि ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में, तब भी क्या होगा, गोइंग टू फॉर्म यूज होगी. द बोट इज फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर है तो तैरेगी तो नहीं, इट इज गोइंग टू सिंक. अब अगर ऐसे बोले इट विल बी गोइंग टू सिंक, अरे भैया डूबेगी ही डूबेगी वो, इसलिए विल नहीं आएगा. शी इज गोइंग टू हैव ए बेबी, प्रेग्नेंट है वो, दिख रही है कि वो उसको, अब शी विल बी गोइंग टू हैव ए बेबी, ये तो प्रेडिक्शन है बाबा जी वाली. हाँ, कि हम ऐसे कह रहे हैं कि वो तुम्हारे जाओ बच्चा होगा, वो प्रेडिक्शन नहीं चाहिए हमें. उसके रिजल्ट्स बता के कि हाँ डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया कि यस यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी, सो दिस प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन द सर्टेनिटी, तब क्या यूज होगा, इज गोइंग टू. ठीक है, द गोइंग टू फॉर्म मे आल्सो एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग. लेट्स गेट इन टू द ट्रेन, इट्स गोइंग टू लीव. लेट्स गेट इन टू द ट्रेन, इट्स गोइंग टू लीव. कि ट्रेन में चले जाओ, इट्स गोइंग टू लीव. कि ट्रेन में घुस जाओ, ये जाने वाली है. तो गोइंग टू फॉर्म कई बार एक्सप्रेस करने के लिए काम में आती है कि कोई चीज उसी समय होने वाली हो, तब भी गोइंग टू काम में आती है. ओके, कोई चीज उसी समय अगर होने वाली हो, देन ऑल्सो गोइंग टू इज यूज. लाइक लेट्स गेट इन टू द ट्रेन, ट्रेन में चढ़ जाओ, इट इज गोइंग टू लीव, ये जाने वाली है. लुक द क्रेकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड, मतलब क्रेकर को आग लगा दी गई है, वो अभी का अभी एक्सप्लोड होने वाला है. देन इट्स नोन एज इज गोइंग टू एक्सप्लोड. बी अबाउट टू, कि अगर अबाउट टू कब यूज करते हैं, वो भी तभी यूज करते हैं कि कोई चीज इमीडिएट फ्यूचर में होने वाली हो. लेट्स गेट इन टू द ट्रेन, इट्स अबाउट टू लीव. आइदर गोइंग टू लीव या अबाउट टू लीव, बोथ आर करेक्ट. बट इट इज इट विल बी अबाउट टू लीव, इट विल बी गोइंग टू लीव, दैट इज रॉन्ग. इट विल लीव, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. डोंट गो आउट नाउ, अभी बाहर नहीं जाना है. वी आर अबाउट टू हैव लंच, हमें लंच करना है. सो ये यूज होगी यहाँ पे. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कई बार यूज होता है ऑफिशियल प्रोग्राम और टाइम टेबल पे. जैसे द कॉलेज ओपन्स ऑन 23rd जून, कॉलेज ओपन होती है 23rd जून पे. कॉलेज ओपन्स ऑन 23rd जून, फिक्स है 23rd जून को खोली जाती है, इसलिए ओपन्स वर्ड आया. विल ओपन नहीं आएगा. व्हाई? बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिसाइड. जब ऑलरेडी डिसाइड होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है. कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. द फिल्म स्टार्ट्स एट 6:30 एंड फिनिशेज एट 9. फिल्म स्टार्ट, विल स्टार्ट एट 6:30 नहीं आएगा. व्हाई? बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड. एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड इन सिनेमा हॉल. वो राइट टाइम पे ही शुरू की जाती है,
इसलिए क्या आएगा, विल स्टार्ट नहीं आके सिंपली स्टार्ट, देर वुड बी नो हेल्पिंग वर्ब विच इट्स टेलिंग अस दैट इट्स ए प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड फिनिशेज नॉट विल फिनिश इट एंड विल फिनिश नहीं आएगा, सेल फिनिश नहीं आएगा. व्हाई? बिकॉज इट हैज फिक्स्ड टाइम टेबल, इसलिए फिनिशेज इट. तो फिक्स्ड टाइम टेबल के लिए, ऑफिशियल प्रोग्राम के लिए. When does the next train leave for Chennai? When does the next train? When will the next train? नहीं आएगा. When does the next train आएगा? Does क्यों आया? Because train has fixed timetable. वो late हो जाए, that is a different thing. But generally क्या आएगा? Present simple tense. Simple present tense को कई बार future tense clause में भी use करते हैं. जब if दिया हुआ हो, जब unless दिया हुआ हो, जब while दिया हुआ हो तब यूज करते हैं. जब जैसे as before दिया हुआ हो, after दिया हुआ हो, until दिया हुआ हो, by the time दिया हुआ हो, as soon as दिया हुआ हो, तो सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं यूज किया जाता सच केस में. आई वॉन्ट गो आउट इफ इट रेन्स, ठीक है. तो अगर बरसात अगर हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो पहली कंडीशन क्या है? आई वॉन्ट गो आउट, मैं नहीं जाऊंगा. दिस इज फ्यूचर. कब ये होगा? कब? अगर बरसात होती है तो. फ्यूचर फ्यूचर वाले में आएगा, प्रेजेंट प्रेजेंट वाले में आएगा. पहला टेंस जो पहले घटना होगी वो प्रेजेंट में रहेगी. कैन आई हैव सम मिल्क? क्या मुझे कुछ मिल्क मिलेगा? प्रेजेंट टेंस. बिफोर आई गो टू बेड, मैं बेड जाने से पहले. बिफोर आई विल गो टू बेड नहीं आएगा, before I go to bed आएगा. Let's wait till he finishes his work. तब तक wait करो जब तक वो अपना work करता है. तो let's wait till he finishes his work. तब तक जब तक वो wait करो तब तक वो यहाँ पे है. तो let's wait. तो क्या है कि let से शुरू हुआ है. Let's wait till he will finish his work. गलत. Let's wait till he finishes his work. ठीक है. तो after, before, till, until इनके लिए क्या आता है? Present tense. ठीक है. By the time, as soon as before, while, when, unless. Please ring me up as soon as. आया तो as soon as he comes. जितना जल्दी आता है then please ring me. Please ring me. That is known as as well as. वहां पे क्या आएगा? as well as. तो ये सिंपल प्रेजेंट पूरा हुआ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट वी विल गो थ्रू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. बिकॉज इफ आई विल टेक दिस टेंस आई कांट कंप्लीट दिस टेंस बिकॉज द टाइम शॉर्टेज. बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज वी विल टेक दिस द सिमिलर काइंड ऑफ द टेंस. टुडे वी हैव रेड अबाउट वी हैव डन द एक्सरसाइज ऑफ द पास्ट प्रेजेंट टेंसेस एंड पास्ट टेंस. And then we have done the present continuous tense. And after it, we will do some future continuous, some another tenses. Like tenses are very now at the end. Now and it would be like exercise of the tenses. Okay. So you have come to the nearly 2-3 pages there. There would be a next class in which I will take the tense and be ready, be prepared for the tense exercise too. Okay. Till then, it's good that we met and we have taken a very nice kind of the class. We will meet again. Okay, thank you.